अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी चौक लाहौर में। वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई के कारकुनान यहां पर कुछ देर पहले जमा हुए थे, अभी भी मेरे अकब में आपको नज़र आ रहे हैं। रियलिटी कुछ आपके सामने रखते हैं। शायद कुछ टीवी चैनल आपको बता दें कि 1 लाख कारकुन मौजूद थे, कुछ बताएंगे आपको 10,000 थे, कुछ कहेंगे 50,000 थे। जिस तरह के मैं अक्सर लाहौर के जलसों में जाके इन जलसों की असलियत को एक्सपोज करता हूं, यानी कि जो तादाद एक्चुअल होती है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब मैं यहां पर पहुंचा तकरीबन 11:35 पर यहां पहुंचा, तो उस वक्त यहां पर तकरीबन 150 कारकुन मौजूद था। उसके बाद सेनेटर वलीद इकबाल साहब यहाँ पर पहुँचते तब बड़ा क्राउड चार्ज हो गया था, एकदम से नारेबाजी शुरू होगी। सादिया सोहेल साहिबा यहाँ पर मौजूद थी, डॉक्टर जरका जो इनके सेनेटर अभी मुंतखब हुई है वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इतना कोई चार्ज क्राउड नहीं था। सेनेटर वलीद इकबाल ने चार्ज करना, थोड़ी सी क्राउड में थोड़ी सी एनर्जी भरी। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि मलक जहीर अब्बास खोकर, उनको मैं पहली मरतबा देखा है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, बहुत ज़बरदस्त स्पीच की, उन्होंने क्राउड को यहाँ पर संभाला हुआ था। 100 या 200 या 300 का क्राउड भी था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि 1,000-2,000 बंदा मौजूद है, जिसका क्रेडिट पंजाब के लाहौर की हद तक, लिबर्टी चौक की हद तक सिर्फ मलक जहीर अब्बास खोकर को ही जाता है। ओवरऑल अगर आपको अभी सिचुएशन बता दूं तो अभी इस वक्त रिकॉर्डिंग के टाइम वक्त हो रहा है 12:48, शदीद धूप है और पीछे तहरीक इंसाफ के पूरे 10 कारकुनान खड़े हैं। तो बजाय इसके कि कोई दावा करूं मैं बड़ा कि इतने सारे लोग मौजूद थे, ये है तो वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो मौसम शदीद गर्मी है इस वक्त, बहुत तेज़ तरीन धूप है, कपड़े ही मैंने भारी पहने हुए, और ख़वातीन थी वो तो नहीं रुक सकी, आधा पौना घंटा उन्होंने नारे किया, नारेबाजी हो रही थी बहुत, शुरू में ज़्यादा नारेबाजी थी, उसके बाद कम होगी, उसके बाद सेल्फी प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन मलक जहीर अब्बास खोकर जैसे ही यहाँ पर पहुँचे उन्होंने क्राउड को वाकयतन चार्ज किया। उनकी तकरीर भी हमने लाइव आपको दिखाई है, आप जाकर देख सकते हैं कि उस वक्त क्राउड का कैसा चार्ज था और इस वक्त की सूरत हाल इस वक्त आपके सामने क्या है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान, तहरीक इंसाफ का दावा है, हुकूमत का दावा है कि हमें 179 वोट्स पॉसिबल है मिल जाएंगे, लेकिन इमरान खान को 172 वोटों की ज़रूरत है कि वो वज़ीर आज़म बरकरार रह सकेंगे। देखते हैं क्या होता है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं भी उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास भी हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।